दैत्यराज कालनाथ ने अपनी माया की दृष्टि से अरमान को अदृश्य होते हुए भी देख लिया था। कालनाथ ने अरमान को पकड़वाने का आदेश दिया। कालनाथ का आदेश पाते ही सभी राक्षसगण अपने अपनी दिव्य दृष्टि को जागृत करके अरमान के पीछे दौड़ने लगे। अरमान मुख्य द्वार की तरफ दौड़ा, लेकिन राक्षसों ने तुरंत ही द्वार भी बंद कर दिया। अब अरमान के पास बचने का एक ही उपाय था, उस गुफा के ऊपरी हिस्से से जहां से वो हरा रंग का धुआं बाहर निकलता था, वहीं से उसे बाहर निकलना था। अरमान तुरंत ही गुफा की दीवारों पर चढ़ने लगा। सारे राक्षस गण उसके पीछे पीछे दौड़ने लगे और उसे पकड़ने के लिए दीवारों पर भी चढ़ने लगे। दैत्यराज कालनाथ दौड़ते हुए बाहर आया और उसने कहा, अगर ये व्यक्ति यहां से जीवित बाहर निकल गया तो मैं तुम सबके प्राण ले लूंगा। पकड़ो उसे और मेरे पास उसे जीवित लेकर आओ। अरमान के पीछे सैकड़ों कद में छोटे हो ऐसे बौने राक्षस दीवार पर चढ़ने लगे। ये सारे राक्षस बड़ी तेज गति से गुफा की दीवारों पर चढ़ रहे थे। अरमान को उस गुफा की दीवारों पर चढ़ने में बहुत ही मुश्किल हो रही थी, क्योंकि वो हरे रंग के धुएं के कारण गुफा की दीवारों पर फिसलन बन गई थी। अरमान बड़ी मुश्किल से ऊपर चढ़ पा रहा था। कई सारे राक्षस अरमान के पैर के पास पहुंच चुके थे। वे अरमान के पैर को पकड़ने जाते कि अरमान अपना पैर उठा लेता। अरमान ये जान चुका था कि अगर उसने कोई और रास्ता नहीं अपनाया तो जरूर ही पकड़ा जाएगा, इसलिए उसने अपने हाथ में अपना खड़क प्रकट किया और पीछे उन राक्षसों के ऊपर उस खड़क से प्रहार किया। अरमान के पहले प्रहार से ही कई सारे बौने राक्षस नीचे गिर गए। कुछ राक्षस तो उस विशाल कढ़ाई में ही गिर गए जिसमें वो हरे रंग का द्रव्य उबल रहा था, लेकिन वहां पर राक्षसों की संख्या बहुत ही अधिक थी। कुछ गिरते तो नीचे से कुछ ऊपर तुरंत ही आ जाते। अरमान अपना खड़क घुमाकर उनको भी नीचे गिरा देता, लेकिन अब अरमान के लिए भी लड़ना काफी मुश्किल हो चुका था, क्योंकि उसके एक हाथ में खड़क था और दूसरे हाथ से उसने गुफा की दीवार का एक पत्थर पकड़ रखा था। अरमान का हाथ उस पत्थर से भी फिसलने लगा था। वो पत्थर भी काफी चिकना हो चुका था जिसके कारण अरमान का हाथ फिसलने लगा था। तभी अरमान की नजर दैत्यराज कालनाथ पर पड़ी। कालनाथ अपने धनुष और बाण बाहर लेकर आया था और अपने धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ा रहा था। यह देखकर अरमान थोड़ा चिंतित हुआ। अरमान के पास अब कोई रास्ता नहीं बचा था। अगर वो नीचे कूद जाता तो सैकड़ों राक्षस उसे दबोच लेते, और यदि वो वहीं पर रहा तो या तो राक्षस उसे नीचे खींच लेते या फिर कालनाथ के बाण का शिकार हो जाता। कालनाथ ने अपने धनुष पर अपने बाण का संधान किया और अरमान की तरफ निशाना साधा। अरमान एकदम स्तब्ध हो गया था। उसे लगा कि उसका समय अब आ चुका था। कालनाथ ने अरमान पर बाण चलाया। वो बाण अरमान को जाकर लगे, उससे पहले अचानक से ऊपर से एक रस्सी आई और अरमान के कंधे से आकर लिपट गई और उसने अरमान को ऊपर खींच लिया। कालनाथ का बाण जाकर गुफा की दीवार पर जा लगा और अरमान गुफा के ऊपरी छेद से बाहर खींच लिया गया। कालनाथ गुस्से से दहाड़ उठा और अपने धनुष से गुस्से में अपने ही राक्षस गणों को मारने लगा। गुस्से में उसने अपना धनुष बाण नीचे फेंका और हाथ में तलवार उठाई और अपने ही गणों को मारने लगा। तभी उसकी पत्नी सोमवती पीछे से आई और उसे रोक लिया। बड़ी मुश्किल से सोमवती उसे गुफा के अंदर ले आई और उसे बिठाया। सोमवती ने उससे कहा, अपने ही लोगों को मारकर क्या फायदा? बेचारे दिन रात आपका कहा हुआ मानते हैं, आपकी गुलामी करते हैं, आपके प्रति वफादारी निभाते हैं और आप उन्हीं को मारे जा रहे हैं। अपने ही लोगों को मार डालेंगे तो सेना कैसे बचेगी? दैत्यराज कालनाथ ने कहा, तुम नहीं समझ रहे हो सोमवती, पिछले 20,000 सालों से हमने अपने अस्तित्व को सबसे छुपाकर रखा था। आज भी किसी को ये नहीं पता कि हम और हमारा कालकोंड वंश अभी तक जीवित है और इसी कारण हम अभी तक जीवित बच पाए हैं। आज एक घुसपैठिया ना जाने किस तरह अंदर घुसाया, वो अदृश्य होकर हमारी सभी गतिविधियां देख चुका है। वो तो अच्छा हुआ कि मेरी मायावी दृष्टि के कारण मुझे वो दिखाई दे गया, लेकिन आज वो यहां से बचकर बाहर निकल चुका है। अब न जाने वो किसको जाकर हमारे अस्तित्व और हमारी गतिविधियों के बारे में बताएगा। हो सकता है कि वो देवताओं का दूत हो, ये हो सकता है कि वहां हमारे कालकीय बंधुओं का दूत हो। अब उस एक व्यक्ति के कारण हमारे अस्तित्व पर संकट मंडराने लगा है। उस औरत और उस दुष्ट कालराज की वजह से
हमारे पास मायावी दृष्टि के अतिरिक्त कोई भी मायावी शक्ति हमारे पास शेष नहीं बची। हर एक अन्याय का बदला मैं लेकर ही रहूंगा। मैंने ये करने के लिए 20,000 साल तक प्रतीक्षा की है, लेकिन अब और नहीं। मेरी 20,000 साल की तपस्या को मैं एक व्यक्ति के लिए बर्बाद नहीं होने दे सकता। ये कहकर कालनाथ उठा और उठकर अंदर के एक कमरे की ओर चला गया। उस तरफ अरमान उस पर्वत के बाहर सही सलामत निकल गया था और वहां एक दूसरे पर्वत के एक पत्थर के ऊपर अरमान बैठा हुआ था। अरमान को लगा कि उसकी सहायता विजयदेव ने की थी। तभी अचानक उसके सामने एक सुंदर सी लड़की आ, तभी पीछे से गुफा का दरवाजा खुला और कई सारे राक्षस दौड़ते हुए गुफा से बाहर निकले। अरमान ने वेदिका के सामने देखा और उसे हाथ जोड़कर अपने प्राणों की रक्षा करने के लिए शुक्रिया किया और उसने आसमान की ओर छलांग लगाई और विजयदेव ने उसे आसमान में धर लिया। वेदिका भी वहां छलांग लगाकर घने जंगलों में कहीं पर गायब हो गई। उस तरफ बुआ आयशा को लेकर एक अनजान सी जगह में पहुंची जहां पर सिर्फ छोटे मोटे पहाड़ ही दिखाई दे रहे थे। बुआ ने आयशा का हाथ थामकर उसे उन पहाड़ों के बीच में लेकर गई। वहां पर जाकर एक पहाड़ के बीच में छोटा सा छेद था। बुआ और आयशा उस छेद के पास गए और उस छेद की ओर इशारा करते हुए बुआ ने कहा, यही इसी छेद के अंदर वो अंतर महल है आयशा। आयशा ने हैरान होते हुए कहा, लेकिन ये अंतर महल है क्या? बुआ ने कहा, काल के राक्षसों का आराम करने का स्थल। ये राक्षस अपनी मायावी शक्ति से इस छोटे से छेद के अंदर प्रवेश करते हैं और इस पहाड़ी के नीचे बने हुए गुप्त महल के अंदर आराम करते हैं। जिस तरह आज के जमाने में वीआईपी लाउंज होते हैं, उसी तरह समझ लो कि ये राक्षसों का प्राचीन वीआईपी लाउंज है और इसके अंदर कोई भी ऐरा गैरा राक्षस नहीं जा सकता। इसके अंदर जाने के लिए या तो शाही राक्षसी कुल का होना जरूरी है या फिर शाही कुल से घनिष्ठ संबंध होने जरूरी है। इसके अतिरिक्त यदि कोई भी अंदर जाने का प्रयत्न करेगा तो वो मारा जाएगा। इसलिए हो सकता है कि सुरभि ने अभिलाषा को इसी के अंदर छुपाया हो। आयशा ने कहा, तो फिर हम भी अंदर जा सकते हैं, आखिर हम में भी तो शाही खून बह रहा है। बुआ ने कहा, बात तो तुम्हारी ठीक है कि हमारे अंदर शाही खून बह रहा है, लेकिन हम दोनों को कालराज ने अपने शाही वंश से बहिष्कृत कर दिया है, इसलिए हम अंदर नहीं जा पाएंगे। लेकिन हमें सुरभि पर नजर रखनी होगी। अगर सुरभि यहां पर आए और इसके अंदर गई तो फिर यह साफ हो जाएगा कि अभिलाषा को सुरभि ने यहीं छुपाया हुआ है। ये कहकर बुआ ने आयशा की तरफ देखा और उसे कहा, हमें आश्रम जाकर सुरभि पर नजर रखनी होगी। आयशा और बुआ दोनों तुरंत वहां से दिव्य रास्ते द्वारा आश्रम पहुंच गए और दोनों ही चोरी छुपे सुरभि पर ध्यान देने लगे। दोनों सुरभि पर अपनी नजर गड़ाए हुए थे। सुरभि क्या कर रही थी और कहां पर जा रही थी, इस सब को बारीकी से देखने लगे। तभी अचानक विवान की मां ने बुआ और आयशा को अपने पास बुलाया। विवान की मां के पास जाने से पहले आयशा ने आश्रम के एक बच्चे से कहा, सुनो तुम मुझे अपनी दीदी मानते हो ना? उस बच्चे ने सिर हिलाकर हां कहा। आयशा ने कहा, तो फिर अपनी दीदी की मदद करोगे? उस बच्चे ने सिर हिलाकर फिर से हां कहा। आयशा ने उस बच्चे से कहा, सुरभि दीदी पर दूर से ही खेलते हुए ध्यान रखना। वो कहां पर गई, क्या कर रही है, सभी चीज तुम मुझे बताओगे। उस बच्चे ने अपना सिर हिलाकर हां कहा। बुआ और आयशा विवान की मां के पास अंदर चले गए और उस बच्चे ने खेलते हुए सुरभि पर ध्यान रखना शुरू कर दिया। उस तरफ अरमान ने विजयदेव को अपने साथ घटी सारी घटनाओं के बारे में बता दिया। उसने वहां पर जो देखा और जो सुना वो सब भी विजयदेव को विवरण दे दिया। विजयदेव यह सब सुनकर हैरान रह गए। विजयदेव ने कहा, कालकुंड जाति के राक्षस, ये तो 20,000 साल पहले ही मारे जा चुके थे, क्या वे अभी भी जिंदा है? ये कैसे संभव है? कालकुंड जाति के राक्षस काल के राक्षसों के चचेरे भाई हैं। उन दोनों के बीच में 20,000 साल पहले भी कई पीढ़ियों से दुश्मनी चल रही थी, लेकिन देवताओं से जब युद्ध छिड़ा तब दोनों फिर से एक हो गए थे। लेकिन फिर ऐसा क्या हो गया कि वो फिर से दुश्मन बन गए?
पर जितना हमें याद है, हमने तो कालकोण के सारे राक्षसों का वध किया था। अब ये किस तरह बच गए? ये जानने के लिए हमारे पास सिर्फ एक ही रास्ता है, अरमान ने पूछा। क्या? विजयदेव ने कहा, दैत्य गुरु शुक्राचार्य। वो कई सालों से सब कुछ छोड़कर सिर्फ ध्यान और तपस्या में लीन रहते हैं, इसलिए उन तक पहुंचना हमारे लिए भी मुश्किल है। लेकिन ये मेरा काम है, मैं किसी भी तरह उन तक पहुंचने की कोशिश करता हूँ। तुम आश्रम में जाकर आराम करो, आयशा के साथ जाकर कुछ समय साथ बिताओ। आयशा के गर्भ में पल रहे दिव्य पुरुष की जीव को अपने पिता की भी जरूरत है, जाओ। ये कहकर विजयदेव ने दिव्य रास्ता खोला और अरमान उसके अंदर चला गया। उस तरफ आश्रम में बुआ और आयशा विवान की मां के साथ जाकर कुछ देर बैठे हुए थे। तभी अचानक वो बच्चा दौड़ते हुए आया और उसने कहा, आयशा दीदी, वो जो सुरभि दीदी है ना, वो ऐसे आकाश में उड़ने लगी और कहीं पर चली गई। ये सुनकर बुआ और आयशा दोनों ही वहां से उठे और बाहर की ओर भागे। आयशा और बुआ ने तुरंत ही दिव्य रास्ता खोला और उस दिव्य रास्ते से होते हुए अंतर महल के पास एक बड़े से पत्थर के पीछे जाकर निकले और छिपकर देखने लगे। बुआ का शक सही निकला। सुरभि कुछ ही देर में उड़ते हुए वहां पर आई और उसने माया का रूप धर लिया। ये देखकर बुआ और आयशा हैरान रह गए। बुआ ने धीरे से कहा, ये सुरभि तो माया निकली। ये माया तो एक नंबर की कपटी राक्षसी है, तो यही माया सुरभि बनकर हमें धोखा देते हुए आ रही है। इस कर्मजली को मैं छोड़ूंगी नहीं। लेकिन तब तक माया ने सूक्ष्म रूप धारण किया और उस छेद के अंदर चली गई। आयशा ने तुरंत ही कहा, अब ये पक्का हो गया है कि अभिलाषा आंटी को इस माया और सुरभि ने यही अंतर महल में छुपा कर रखा हुआ है, अब इसकी खैर नहीं। बुआ और आयशा फिर से दिव्य रास्ते से आश्रम पहुंच गए। जैसे वो दोनों आश्रम पहुंचे, आयशा ने अरमान को देखा। आयशा अरमान को देखकर चिंतित हो गई। आयशा को अभिलाषा को अरमान के आने से पहले ही ढूंढ निकालना था, लेकिन अरमान इसके पहले ही आ चुका था। आयशा तुरंत ही दौड़कर अरमान के पास गई। अरमान ने आयशा और बुआ को देखकर उन्हें पूछा, कहां पर थे आप लोग? आश्रम में दूसरा कोई भी नहीं दिखाई दे रहा। मां कहां है और सुरभि कहां है? बुआ ने कहा, बेटा वो दरअसल जब तुम विजयदेव के साथ कहीं पर गए हुए थे, तभी यहां पर एक घटना घट गई। अरमान ने पूछा, कैसी घटना? आयशा ने कहा, अरमान सुरभि ने अभिलाषा आंटी को अगवा कर लिया है। ये सुनते ही अरमान एकदम से हैरान हो गया। उसने कहा, कब, कैसे, क्यों? आयशा ने सब कुछ अरमान को कहकर बता दिया। अरमान ने हैरान होकर कहा, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि सुरभि ऐसा कर सकती है। बुआ ने कहा, वो सुरभि नहीं है, वो माया है, एक राक्षसी। तभी अचानक सुरभि भी आश्रम में आ पहुंची और उसने दूर से देखा कि बुआ और आयशा अरमान से बात कर रही थी। सुरभि ने सोचा, तो यह आयशा और बुआ मिलकर मेरी चुगली कर रहे हैं अरमान से। इन दोनों को नहीं पता कि माया नाम है मेरा, माया जाल फैलाना बाएं हाथ का काम है मेरा। आगे देखते जाओ, मैं इन दोनों की जिंदगी कैसे बर्बाद करती हूं। ये सोचकर सुरभि मन ही मन हंसने लगे। क्या अरमान आयशा और बुआ की बात मानकर सुरभि को फटकारेगा? क्या सुरभि नया माया जाल रचेगी? किस तरह अभिलाषा को आयशा और अरमान छुड़वा पाएंगे? कालनाथ को कालकूट वश के निर्माण करने से कोई रोक पाएगा? या सृष्टि का विनाश नजदीक था? जानने के लिए सुनते रहिए फना।